दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे इस हाउस प्लान को और इसका साइज है 12x22। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही स्मॉलेस्ट प्लान है स्मॉल हाउस प्लान जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अगर हम चौड़ाई की बात करें तो मात्र 12 फीट है और लंबाई की बात करें तो मात्र 22 फीट है। तो ये वो पूरा मॉडल आज हम आपको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रंट से आपको ये मॉडल ऐसा दिखने वाला है और ये मेन डोर है। यहाँ पर आपको घर के सारी चीजें मिलती हैं, आपको लेटरिंग भी मिलेगा, बाथरूम भी मिलेगा, किचन भी मिलेगा, सब कुछ एडजस्ट करके मैंने दिया। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर मैंने ये मॉडल डिजाइन किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कोई स्पेसिफिक मॉडल डिजाइन करवाना तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, हम इसी को डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट एंड सेकेंड। और दोस्तों हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम स्मॉल हाउस प्लान, तो आप यहां पर जरूर आए क्योंकि यहां पर आपको लगातार अपडेटेड मॉडल मिलते रहते हैं, बहुत सारे देखिए मिलते हैं। जो भी चाहे वो आप बाय भी कर सकते हैं, मात्र 99 रुपीज के मैंने प्राइस रखा है। कोई भी मॉडल बाय करेंगे यहाँ पर दी ऐड टू कार्ट बाय नाउ पर क्लिक करके आप आसानी से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, आपको एक जिप फाइल मिल जाएगी। तो प्लीज चलो हम डिस्कस कर लेते हैं पूरे मॉडल को जिसका साइज है 12x22। तो ये जैसा कि आप फ्रंट से आप देख पा रहे होंगे तो हमेशा की तरीके से हम करेंगे इसको पहले ट्रांसपेरेंट, और जैसे मैं इसको ट्रांसपेरेंसी पे ले जाता हूं तो ये देखिए मॉडल पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी में आप ऊपर से नीचे तक दोस्तों सारी चीजें दिख जाती हैं। फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा मॉडल, साइड से ये मॉडल आपको ऐसा दिखने वाला है। ट्रांसपेरेंसी में ये मॉडल पूरा बेहतरीन से आपको दिखता है। अब हम इसकी रिमूव कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी और ले आते हैं इसको फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। तो देखिएगा ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुका है जिसका साइज है 12x22। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो आपको चलना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर पर, और जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं देखिए ये दोस्तों, ये मैं जूम कर लेता हूँ, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। फिलहाल आसपास इसके घर ही बने होंगे, ये फ्रंट का एलिवेशन मैंने दिखाया है। तो ये आपका डिजाइनिंग का पार्ट है, वॉल पे आप पेंटिंग करवा सकते हैं, जो भी लगवाना चाहे वो आप पे डिपेंड करता है। इस मकान का मेन डोर ये है दोस्तों, यहां से आप एंटर करेंगे ये आपका मिल जाता है विंडो जो कि वेंटिलेशन का काम करेगा। जैसे मेन डोर से एंटर होते हैं सबसे पहले आपको लगभग 4x6 फीट का मिल जाता है लेटरिंग एंड बाथरूम। ओके दोस्तों, लेटरिंग एंड बाथरूम मिलता है, उसके बगल में आपको मिल जाता है स्टेयर्स, इसके नीचे आप अपना बाइक वाइक पार्क कर सकते हैं अगर छोटा सा, क्योंकि यहाँ पर साइज बहुत ही कम, 12 फीट बहुत ही कम जगह होती है दोस्तों, और लंबाई भी ज्यादा नहीं, तो आपको सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी कम जगह में ही। तो ये आपकी स्टेयर्स जो कि मैंने एल साइज दी है, आपको राउंड होकर आना पड़ेगा। और इसके बाद आपको ये पीछे मिल जाता है एक बेडरूम जिसका मेन डोर ये है और आपको विंडो यहाँ मिलता है। अब घर में सारी चीजें तो कंप्लीट हो गई, आपका स्टेयर्स भी निकल आया और लेटरिन बाथरूम भी निकल आया, बात आती है बेडरूम एंड किचन की। तो जो मैंने पीछे दोस्तों बेडरूम डिजाइन किया है ये लगभग 12x11 का अप्रॉक्स है, लेकिन इसी में आपको बेडरूम और किचन आपको दोनों एडजस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि जगह बहुत ही कम है। हाँ, एक एडजस्टमेंट हो सकता है, अगर आप स्टेयर्स ये वाला ना लगवाकर कोई राउंडेड जो आता है वो लगवा लें, छोटा सा जो आता है वो अगर लगा लें कहीं पर भी, तो आप यहाँ पर किचन अपना बनवा सकते हैं, अन्यथा आपको किचन अपने रूम पर ही बनानी पड़ेगी और उसी में आपको लेटना पड़ेगा। तो ये पूरा डिजाइन था जिसका साइज था 12x24। तो अब इसके हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात होगी दोस्तों, कैसा लगा मॉडल प्लीज जरूर बताएं, तथा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर, और जैसे फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा कि मैंने 2.5 फीट का अप्रॉक्स छज्जा निकाल दिया है बालकनी, और बस और सारा चीजें वही है, वही बेडरूम, वहीं पर आपको किचन एडजस्ट करना पड़ेगा, वहीं पर आपके लेटरिन एंड बाथरूम है, वही स्टेयर्स है, ये पूरा डिजाइन मैंने आपको दिया है। वेंटिलेशन की भी बने दी विंडो ऊपर दे दी है और आपका वॉल में वही डिजाइन दिया है। ये भी सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट है दोस्तों। ये तो बात होगी इसके फर्स्ट फ्लोर की, अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं लास्ट फ्लोर। तो लास्ट फ्लोर पर दोस्तों यहाँ पर हालांकि मैंने कुछ नहीं बनाया, स्टेयर्स को सिर्फ ढक दिया है जो आप स्टेयर्स इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ढक गई और ये पूरा मॉडल आपका 12x22 में तैयार हो जाता है, बेहतरीन सा मॉडल। तो ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो और अगर आप कोई भी प्लान यहाँ से बाई करना चाहते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, आप आकर बाई कर सकते हैं। हालांकि जो आपने अभी मॉडल मैं डिस्कस कर रहा था, अगर वो भी आप बाई करना चाहते हैं तो आपको वहां पर प्रॉपर तरीके से मैंने बताया कितने बाई कितने का किचन है, कितने बाई कितने का रूम्स है, सब कुछ मैंने वहां पर बता रखा है। तो प्लीज दोस्तों इस अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो बाय करें, अन्यथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।